नमस्कार। अभी तक हमने सीखा कि जब मैं सीपीआर करूंगा, कार्डिक रिसक्सेशन और ब्रीदिंग दोनों एक साथ, लेकिन इस वीडियो में हम आपको फोकस करना चाहेंगे एयरवे मैनेजमेंट में क्या करना। एयरवे मैनेजमेंट में जैसे हमने पढ़ा तीन मैनुअल, हेड टिल्ट। तो हेड टिल्ट करने का कि आप थोड़ी पे हाथ रखिए, एक हाथ माथे पे रखिए, और ऐसा हम जब एक्सटेंड करते हैं तो ये हेड टिल्ट और चिन लिफ्ट देखिए ऊपर होगी। ऐसा करने से जो मेरा सांस का रास्ता है वो खुल गया। तो हेड टिल्ट चिन लिफ्ट और थोड़ा सा ऐसे हम मुंह भी खोल सकते हैं। तो ये हेड टिल्ट चिन लिफ्ट हुआ। देखिए फिर से देखेंगे, एक हाथ माथे पे, ये दो उंगलियां थोड़ी पे, और एक्सटेंड किया और मुंह खोला। तो हेड टिल्ट चिन लिफ्ट हुआ। तीसरा मैनुअल है जॉ थ्रस्ट। जॉ थ्रस्ट में क्या करते हैं कि हमें फिंगर अपनी केवल जॉ एंगल ऑफ जॉ पे रखनी है और इसको आगे कर ऐसे, ठीक है। और अब मास्क कैसे रखना है ये देखेंगे, चाहे ये पॉकेट मास्क हो चाहे ये अंबू का मास्क हो। देखिए ट्राइंगुलर है, ऊपर ट्राइंगल का ये तिकोना है, जो कि अगर यहाँ पे देखें नाक का, जो नाक के ऊपर का हिस्सा, ये तिकोना है। और ये जो चिन है जो कि लोअर जा से बनती है, चिन के बीच में यहाँ पे हमारे लिप के बीच में, लोअर लिप के बीच में जो स्पेस है वहाँ इसका ये हिस्सा है। और ये मास्क इस शेप में है कि ये फिट हो जाता है बिल्कुल एनाटोमिकली, इस जगह से नाक और मुंह बंद हो जाता है। तो नाक मुंह बंद करने का मेन ये पर्पस है कि जो भी मैं ऑक्सीजन यहाँ से या हवा वेंटिलेशन देना चाहूँगा, ब्रीथिंग देना चाहूँगा, वो नीचे तक पहुँचे। और इसको होल्ड करने का तरीका, एक सी सी इसलिए कि ये मास्क होल्ड करे। और जो मेरी ये तीन उंगलियाँ हैं, ये मास्क होल्ड दो उंगलियों से हो गया, जो सी एक क्लैंप बना, और ई से मैंने इस जॉ को पकड़ा। तो देखिए सी और ई टेक्निक, ये वन हैंड कहलाती है। अगर आपको लग रहा सी नहीं बन रहा तो दूसरे हाथ का भी, तो ये दोनों उंगलियां सी बनाएंगी, सी दो कंप्लीट हो गए। और नीचे की तीन उंगलियां जो राइट या लेफ्ट की हैं, इसको हम इस्तेमाल करेंगे जॉ थ्रस्ट करने के लिए। और यहाँ पे जब मैंने सी बना ली नाक और मुंह की तरफ, और तीनों फिंगर से मैंने जब दो, तो इसको एक्सटेंड करा। जब एक्सटेंड करते हैं तो आप देखिएगा चेस्ट राइज हो रहा है, नहीं तो मैं दो कर दूंगा, दो। दूसरा तरीका ये है कि मास्क वेंटिलेट, इसमें अभी ज्यादा भी हमारी बात करेंगे, जरा मुंह खोल के दीजिए। तो सील वैसे ही बनेगी, वैसे ही एक्सटेंड करेंगे जैसे किया था, बस हम यहां पे अगर मुंह बैग जोड़ दें, और अगर हम इस सी और ई को दो लोग, तो देखिए तीसरा आदमी करता तो कैसे मास्क, एक दो, एक बार और करके दिखाएंगे, एक दो, दो ब्रेथ कैसे दे रहे, फिर से देखें एक बार, चलिए एक दो बार। चाहे मैं माउथ टू माउथ रेस्पिरेशन दूं, चाहे माउथ टू नोज करूं, इस एक बार ध्यान देना पड़ेगा कि जब मैं माउथ टू माउथ वेंटिलेट करता हूं तो मुझे नाक बंद करनी पड़ेगी, वही हेड टिल्ट चिन लिफ्ट करना पड़ेगा, मुंह को खोलना पड़ेगा, गहरी सांस लेनी पड़ेगी, और अपने लिप से पेशेंट के लिप को सील करना पड़ेगा, एक चेस्ट राइज दिखाई, दो। तो जब मेरे पास मास्क भी नहीं है और अंबू भी नहीं है, तब भी मैं कम से कम अपने परिजनों को बचाने के लिए सांस, जिसमें कि ऑक्सीजन है, तो फिर से देखेंगे नाक बंद करी, थोड़ी पकड़ी, एक्सटेंड किया, मुंह खोला, सील बनाई, गहरी सांस ली, सील बनाई। देखा आपने कैसे इफेक्टिव चेस्ट राइज हो रहा है, तो ऑक्सीजन लंग में अंदर जा रही है, उसके बाद CO2 बाहर निकल रही है। प्लीज स्टॉप।